इस बार मैंने कहा जनता एक है और आपको बताया नहीं मैंने एनडीए को पीडीए हराएगा। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया यही हमारे इन्फोर्स रिपोर्ट है। इस बार कोई भी प्रति भारतीय जनता पार्टी को चलने वाले नहीं है और वो जो दल थे केवल दल नहीं थे पूरा देश में इकट्ठा था। अगर प्रेस के लोग भी सच्चाई चला दें तो क्या मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको गोली मार दें। इस भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में सफाया होगा। इस बार मैंने कहा जनता एक है और आपको बताया नहीं मैंने एनडीए को पीडीए हराएगा और पीडीए को आप समझते हैं कि समाजवादी पार्टी और पीडीए हराएगा। लेकिन कैसे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। हमारा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है यही हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया यही हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बीजेपी के लोग नफरत आपस में लड़ा करके एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर करके समाज में खाई पैदा करके वोट पाल रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है इस बार कोई भी भारतीय जनता पार्टी को चलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है और जिस तरीके से गठबंधन या दल एक हो रहे हैं वो दल तो हो ही रहे दिल भी एक हो रहा है और वो जो दल थे केवल दल नहीं थे पूरा देश में इकट्ठा था। जम्मू कश्मीर से लेकर के कोने कोने से पार्टियों के लीडर्स आए थे तो दल तो था इकट्ठा लेकिन वह देश इकट्ठा हुआ था। इस भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में सफाया होगा और सफाई की वजह से आपने देखा नहीं कितना डरे हुए लोग हैं। उनकी भाषा देखिए आप, उनके नेताओं की भाषा देखिए आप, क्या भाषा बोल रहे हैं। हम लोग मिलकर के काम करेंगे और हमने अपनी राय कई बार दी और राय यही है कि जब बड़ा मंच बनता है तो बड़ा दिल भी होना चाहिए और मुझे उम्मीद है जिस तरह की बातचीत हो रही है सब लोग बड़ा दिल करके ही आगे बढ़ेंगे। जो संविधान जो लोकतंत्र हमें अधिकार देता है उन अधिकारों को नहीं छीना जाना। अगर प्रेस के लोग भी सच्चाई चला दें तो क्या मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे? अभी तक जितने प्रेस के लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए इतने शायद इमरजेंसी में भी दर्ज नहीं हुए होंगे। और जब हम और आपको इमरजेंसी पर बात कर रहे हैं मुझे याद है उन्नाव का एक नौजवान पत्रकार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था और उसने कहा था कि अगर मुझे सुरक्षा नहीं मिलेगी अगर मेरी मदद नहीं होगी तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको गोली मार दें और वो आज दिखाई दे रहा कल रात को उसको गोली मार दी। किसी पत्रकार को गोली मार देंगे आप जमीन पर क्या करना चाहते हैं? क्या ये इमरजेंसी से खराब माहौल नहीं है?